इफ 30 into 30 C naught plus 29 into 30 C1 plus 28 into 30 C2 plus till up to 30 C29 equals n into 2 की पावर n, then the value of m plus n, ये J 2021 का है, फिफ्थ अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 30 into 30 C naught plus, ये बेसिकली यहाँ पे n लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है n-1, ये लिखा हुआ है n-2, इसके बगल में लिखा है n-3, टिल n-1 तक लिखा हुआ है ना। तो पहले क्या किया मैंने, इसे कुछ ऐसे लिखा, इसको 1 plus x to the power n ऐसा कुछ, इसका एक्सपेंशन क्या होता है मेरे पास, C0 plus C1 into x plus C2 into x square plus C3 into x के till CN xn, ये ऐसा होता है अपने पास, ठीक है। इसको अगर उल्टा लिखे तो कुछ ऐसा आएगा मेरे पास, 1 plus x to the power n दैट इज CN xn plus CN-1 xn-1 till, ये ऐसा कुछ C1x plus C0 ऐसा आएगा। इसमें अगर जो मैं देखूँ तो n n-1 n-2 और ये जो बेसिकली n-n-1 है, ये कब आएगा, जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किया, सब डिफ्रेंशिएट करके तो मेरे पास आएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n into 1 plus x to the power n-1, और यहाँ पे आएगा अपने पास क्या, n into CN xn-1, और ये आएगा n-1 into CN-1 x to the power n-2 प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे आएगा सिर्फ C1 into 1 करेगा प्लस, ये तो जीरो हो जाएगा। अभी जैसे ही क्या किया मैंने, n की वैल्यू जैसे 30 रखा मैंने ना, तो जैसे ही n की वैल्यू 30 रखा, बिकॉज मुझे 30 के लिए निकालना है ना, तो n 30 पुट किया मैंने, तो मेरे पास क्या आएगा 30 into 1 plus, और x की वैल्यू मैंने क्या रखा 1, बिकॉज क्या मेरे को सिर्फ सी नॉट और ये बाकी सब चाहिए, तो उसके लिए x का रखा मैंने 1, तो मेरे पास क्या 1 plus 1 to the power n-1 n-1 जो होगा वो मेरे पास 29 हो जाएगा। सो लिखा इसको मैंने, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा n 30 into C30 ऐसा बनेगा, या फिर C30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे 30 C30 को C0 भी लिख सकता हूँ, प्लस 29 इंटू इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 30 C29, इसको 1 भी लिख सकता हूँ 29 को, सो इसको मैं 1 भी लिख सकता है ऐसे, बिकॉज क्या होता है NCR जो होता है, ये NC n-r ये भी होता है, ठीक है, तो उसकी हेल्प से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। प्लस अगला जो आएगा दैट इज 28 into 30 C2, प्लस जो लास्ट वाला होगा टर्म दैट विल बी 30 into ये C1, सो इसको 29 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या है n into 2 की पावर m, सो यहाँ से 2 की पावर m क्या रहा है, n तो बेसिकली क्या रहा है 30, और m क्या रहा है, m इज 29, सो n plus m, सो n plus m जो मेरे पास आएगा दैट इज 59, सो 59 अपना आंसर होगा।